फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव, मैं आपके साथ राजेश कुमार। कटिहार जिले के सलमारी की सड़कों पर एक निजी वाहन पर लाल बत्ती लगाकर घूमने का वीडियो पुलिसिया कॉरिडोर में पहुंचते ही संबंधित वाहनों की खोज शुरू कर दिए जाने का मामला चर्चा में है। आपको बता दें कि इस बत्ती का उपयोग पुलिस वाहन पर होता है। यह वाकया कटिहार के सलमारी कॉलेज चौक का है। वायरल वीडियो में जो बेलेनो गाड़ी दिख रही है उसका नंबर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो जाहिर है पुलिस को ऐसे वाहनों की पड़ताल कर कार्रवाई करनी चाहिए कि उक्त गाड़ी किसकी है और कौन अपनी गाड़ी पर यह बत्ती लगाकर अवैध रूप से घूम रहा है। वायरल वीडियो में देखकर कई लोगों ने दबी जुबान से उक्त वाहन को लाल बत्ती लगाकर सड़कों पर फर्राटे भरने की बात ही नहीं कही है, बल्कि उन लोगों का कहना है कि सुनसान सड़कों पर रात के अंधेरे में ओवरलोड ट्रकों एवं अन्य वाहनों से उक्त लाल बत्ती वाली गाड़ी के द्वारा जबरन वसूली की भी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे मामले पुलिस तक नहीं पहुंचने के कारण किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। वायरल वीडियो की पुष्टि चैनल किसी भी माध्यम से नहीं करती है, लेकिन पुलिस के लिए तो यह जांच का विषय है। खैर, देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले को कितनी संवेदनशीलता से लेती है। इतना ही नहीं, लाल बत्ती लगाकर सड़कों पर वाहनों से अवैध वसूली कर युवाओं ने पुलिस को सीधे तौर पर खुली चुनौती दे दी है। यह समझने और समझाने के लिए वायरल वीडियो ही काफी है। वायरल वीडियो पर कानून के जानकारों की माने तो वायरल वीडियो व्यवहारिक अपराध का बोध कराता है। ऐसे में इनके विरुद्ध कार्रवाई होने से लोगों में बेहतर पुलिसिंग का भरोसा बना रहेगा। आपको बता दें कि उक्त वीडियो पुलिसिया कॉरिडोर में बीते 7 मार्च से ही सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन कार्रवाई के मामले में शून्य है। खबरों में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रत्येक। 11:45 कॉलेज मोड़ सालमारी में मैं खड़ा था और देखा कि मैं गाड़ी से आ रहा था नारायणपुर की ओर से, तो मैं देखा कि मतलब 3-4 जो है पिकअप खड़ी है और एक गाड़ी है लाल ब्लू बत्ती वाला जो पुलिस का इंडिकेट करता है कोई बड़े पदाधिकारी को, वो बीच रोड में गाड़ी खड़ा है और ये लोगों को गाली गलौज कर रहा है। तो हमारी गाड़ी पीछे थी, मैं साइड से निकाल के आया, मैं देखा कौन बड़े पदाधिकारी हैं, क्या हुआ भाई। मैं 1-2 पैर करके आगे निकला तो मैं देखा कि ये कोई पदाधिकारी या पुलिस प्रशासन की गाड़ी नहीं, ये एक आम पब्लिक की गाड़ी है और ये जो है रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के पुलिसिया बत्ती जलाकर ये ड्राइवरों से उगाही, मैं तो कहूँगा उगाही, डराना, अपने शान को बताना। और दो बंदे थे उसमें, दोनों शराब के नशे में चूर थे और ड्राइवरों को बहुत बुरी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। मैं गया, मैं देखा भाई कौन है, मैं वीडियो करना शुरू कर दिया और मैं इसकी जानकारी प्रशासन को दिया। मैं आपको 7 तारीख के रात में ही सभी ग्रुप में मैं DJP को भी दिया हूँ, मैं SP DM DSP सबको दिया हूँ कि भाई क्या एक पुलिसिया जो बत्ती होता है या उसका जो पहचान होता है एक आम आदमी लगा के घूम सकता है। इस पर जो है हमें आज 4 दिन बीत गए, अभी तक नहीं लगता है, अभी तक जांच का विषय है क्या है, प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें कोई पहल अभी तक हमें नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में लोग पुलिस के नाम से हो या किसी के नाम से हो खौफ डर दिखाकर लोगों को परेशान करेंगे। इसी चीज़ का मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं जिस चीज़ को देखा मैं वीडियो करके मैं ग्रुप में दिया, प्रशासनिक आला पदाधिकारियों को मैं सूचित किया हूँ इसके मामले में, लेकिन अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं आया है। अब कहीं ना कहीं यह प्रशासन पर जो है लोगों का एक विश्वास जो है प्रशासन से धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है कि क्या एक आम आदमी की ये लाल बत्ती लेके जा रहा है, वो फलां आदमी है, गाड़ी का नंबर इंडिकेट है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं दोहरी नीति का जो है मापदंड प्रशासन के बीच जो है वो पब्लिक के बीच में ये मैसेज है, क्योंकि ये वीडियो वायरल